आप किसी भी साइज की बॉटल ले सकते हैं। बॉटल का ऊपरी सिरा यहाँ से कट करके अलग करना है। उसके बाद हम इनमें दो दो छेद करेंगे। जो हमें इनमें होल करने हैं वो थोड़ा पास पास करने हैं। ये मैंने ब्लैक पेपर से फ्लावर्स बनाए हैं, आप किसी भी कलर से बना सकते हैं। और अगर आपको ये फ्लावर्स बनाने नहीं आते तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। इसको बना करके मैंने अपने किचन में लगाया है। अगर आप चाहे तो इसको रूम में भी लगा सकते हैं, उसमें पेन पेंसिल फ्लावर्स कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आपका मन करे। फिलहाल मैंने ये स्पून स्टैंड बनाया है। इसका सबसे अच्छा उपयोग तब होता है जब आप ज़्यादा कीले दीवार में ठोकना नहीं चाहते, तो इसको बना करके आप एक कील के सहारे इसको टांग सकते हैं और इसमें बहुत सारा सामान रख सकते हैं। और जब आपका मन भर जाए तो इन बॉटल्स को हटा करके आप अपने हैंगर को कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल शाइन प्लस। हमें दो हैंगर चाहिए और आप कोई भी किसी भी तरह का कपड़ा ले सकते हैं। जो कपड़ा है उसकी लंबाई आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, लेकिन चौड़ाई आपको हैंगर के अकॉर्डिंग लेनी है। जितने चौड़े आपके हैंगर है उतने ही आपको कपड़े की चौड़ाई लेनी है। अब हम यहाँ से इसको सिल लेंगे। आप मशीन की सहायता से सिलेंगे तो ये ज़्यादा मजबूत होगा। फिलहाल मैं सुई से आपको सिल करके इसको दिखा रही हूँ। ये हमने सिल लिया है। इसी तरह हम दूसरी साइड के कपड़े को हैंगर में सिल लेंगे। बस एक चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो हैंगर का हुक है उन दोनों का मुंह एक तरफ को होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में ना हो, इस तरीके से एक ही साइड खुलने चाहिए दोनों के मुंह। इसका यूज़ हम वहाँ पर करेंगे जब अलमीरा के पाइप का बहुत सारा स्पेस खाली पड़ा रहता है, वहाँ कपड़े नहीं टंगते। तो इस तरीके से बना करके हम इसको टांग लेंगे और इसमें हम अपने बैग्स क्लचेस इस तरह का सामान रख सकते हैं। और अगर चाहे तो आप इसमें अपने कपड़े भी रख सकते हैं। अगर नीचे जगह नहीं है कपड़े के रखने के लिए तो आप इस तरह ऊपर टांग करके भी अपने कपड़े रख सकते हैं। इस हैंगर के लिए हम बड़े छेद वाली इस तरह की क्लोथ पिन का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास बड़े छेद वाली क्लोथ पिन नहीं है, इस तरह की है छोटे छेद वाली, तो आप इसको धागे की मदद से बांध करके भी यूज़ कर सकते हैं। इसका बेस्ट यूज़ तब होता है जब आपको तार पर बहुत सारे कपड़े फैलाने हो, तो आप जो छोटे छोटे या हल्के कपड़े होते हैं उनको सिर्फ एक हैंगर में टांग सकते हैं। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं पूरे एक तार के कपड़े सिर्फ एक हैंगर में आ चुके हैं।
अगर आप चाहें तो इसको धागे की मदद से भी बांध सकते हैं। इस तरह का ये हमारे स्टैंड बन करके तैयार हो चुका है। अगर आपके किचन में कम जगह है और आप ज़्यादा सामान रखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप अपने भगोने वगैरह इस पर रख सकते हैं। इसमें आप ऊपर भी सामान रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं इसके, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके जूते चप्पल बहुत ज़्यादा पड़े रहते हैं, ऊपर नीचे रखने पड़ते हैं आपको, तो आप अपने शूज़ वगैरह भी इस तरीके से इसमें अरेंज करके रख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।